चैनल मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ अडेनियम पे ही बात करने वाली हूँ। वैसे कल भी मेरी वीडियो अडेनियम की केयर टिप्स पे ही थी, फिर भी मैं कुछ टॉपिक छूट गए थे तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ शेयर कर दी। सबसे पहले मैं अपने गार्डन के फूल दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोगों का होता है ना, कहना होता है कि बरसात में अडेनियम में फ्लावरिंग नहीं होती है, कई सारे लोग बोलते हैं। फिर इधर अक्टूबर महीना तो वैसे खिलने का होता है प्लांट, क्योंकि इस टाइम पर धूप काफ़ी तेज़ होती है और अगर धूप आपके यहाँ हो रही होगी ना तो अडेनियम में फ्लावरिंग होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मैंने प्लांट देखे, यूट्यूब पे भी देखती रहती हूँ, तो कई सारे लोगों के मतलब प्लांट फ्लावरिंग करना बंद कर चुके हैं। तो क्या होता है, जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं उनको देसी, तो हमारे देसी भी मतलब टाइम टाइम से ही खिलेगा आपके। एक बार फरवरी मार्च में बहुत अच्छे से, अप्रैल में खिलेगा, उसके बाद बीच में थोड़ा बारिश जैसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद फिर वो अपनी नई ग्रोथ करेगा, फिर उसके बाद खिलेगा, तो वो होता है। लेकिन जो ग्राफ्टेड प्लांट होते हैं इनमें भी है, अपने आप वो एक दो बार ही खिलेगा, लेकिन अगर आपको कई बार फ्लावरिंग चाहिए तो उसके लिए आपको प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देना ज़रूरी होता है, जो कि मैं भी टाइम टाइम से इनको देती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं हर समय इनमें न्यूट्रिएंट्स देती ही रहती हूँ, पर महीने दो महीने डेढ़ महीने में एक बार इनको फर्टिलाइज़ करती हूँ। जैसे कि NPK का स्प्रे हो गया, जो कि मैं लगभग डेढ़ महीने में या एक महीने में ज़रूर कर देती हूँ। और उसके बाद अभी मैंने सब में थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट दी थी, कंपोस्ट बोन मिल और नीम की खली, सब में तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ कुछ मतलब ज़्यादातर प्लांट में दी है, कुछ फिर भी छूट गए होंगे सब में। जो बड़े प्लांट हैं इनमें मैंने कुछ भी नहीं दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है, और येलो का अब प्लांट खिलना शुरू हुआ है। कलियां तो बहुत आई इसमें, ढेरों कलियां आई, लेकिन बारिश की वजह से ये प्लांट अच्छे से खिल नहीं पाया था। लेकिन अब इसमें जितने भी येलो वाले मेरे प्लांट हैं सब में फ्लावरिंग इस समय हो रही है। और अगर हम प्रूनिंग की बात करें तो काफ़ी सारे लोग सितंबर अक्टूबर में प्रूनिंग कर देते हैं। अब देखिए सितंबर और अक्टूबर का मंथ होता है फ्लावरिंग के लिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इस टाइम पर। मेरे गार्डन में तो फरवरी में मैंने प्रूनिंग करी थी, मार्च से लगभग आधे मार्च के बाद से 15 मार्च से मेरे गार्डन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मार्च से लेकर के मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अभी अक्टूबर आप देख रहे हैं, लगातार तब से फ्लावरिंग हुई है। आपने देखा होगा मेरे गार्डन में, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट आपको देती हूँ अपने प्लांट की, तो आपने देखा होगा मेरे गार्डन में हमेशा फ्लावरिंग होती रही है। हाँ, एक प्लांट खिल के ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा ख़त्म होता है तीसरा शुरू होता है। अब यहाँ पर अगर आपको दिखा दो, जो मेरी अभी नई ग्राफ्टिंग है सब में देखिए कलियाँ बनी हुई हैं। ये ग्राफ्टिंग कब की होगी, जुलाई या अगस्त की होगी, जुलाई जून जुलाई की होगी। ये देखिए ये भी ग्राफ्टिंग से तैयार हुए प्लांट हैं सारे मेरे, और इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो मैंने कुछ न्यू मंगाए थे उनमें भी देखिए सब में कलियाँ आई हुई हैं। एक तो ये मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, ये पर्पल कलर का फूल खिला हुआ है, और ये भी एक बार खिल चुका है न्यू कलर। एक मेरे गार्डन में और बहुत सुंदर सा फूल खिलने वाला है, पर अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक फूल जो मेरा सीडलिंग है वो भी खिलने वाला है। देखिए इतनी छोटी, मतलब प्लांट छोटा नहीं है, काफ़ी हैवी प्लांट हो चुका है, बड़ा प्लांट हो चुका है। आपको कोडेक्स दिखा दूँ तो लगभग 1.5 साल 2 साल का प्लांट लगने लगा है, लेकिन ये सिर्फ 7 महीने की सीडलिंग है मेरी। उनमें देखिए कलियाँ, और जो इसका मदर प्लांट है उसका फूल आपको दिखा दूँ, जिसके सीड से मैंने इसको ग्रो किया था। ये देखिए ये डार्क रेड कलर है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा पिंक दिखता है। ये इसकी कलियाँ हैं, ये सेम कलियाँ हैं ना दोनों में। ये देखिए ये मदर प्लांट, ये भी नहीं, मदर प्लांट मेरा ख़त्म हो चुका है। मैंने कटिंग से लगे हुए प्लांट पे ग्राफ्ट करके उस प्लांट के मतलब जो वो ब्रांचेस थे उनको बचाया था, तो इस तरह से ग्राफ्ट करके इसको मैंने तैयार किया था। तो बहुत सारे लोग अभी प्रूनिंग भी कर रहे हैं, अगर आपकी मर्जी है तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके प्लांट में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो फिर प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर सीड पॉट बना है तो भी प्रूनिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सीड पॉट ख़राब हो जाएगा। और फर्टिलाइज़र आप एक एक मुट्ठी बोन मिल, नीम की खली और ये वर्मी कंपोस्ट, तीन फर्टिलाइज़र मिला करके अपने सभी प्लांट में एक बार दे दीजिए। अभी अक्टूबर का मंथ आप दे सकते हैं, क्योंकि इस बार तो ठंड बिल्कुल भी नहीं आई है अभी तक, और अक्टूबर का मंथ बिल्कुल ठंड होने वाली भी नहीं है, तो आधा लगभग निकलने ही वाला है, आज 13 तारीख है। और उसके बाद देखिए ये भी पूरा कलियों से भर चुका है, जो कि बारिश में ज़्यादा अच्छे से नहीं खिल पाया था, लेकिन ये अभी इसमें बहुत अच्छी कलियाँ आ रही हैं। इसके बाद आप चाहें तो NPK का स्प्रे भी कर सकते हैं एक बार और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। इसमें देखिए मेरे वेरीगेटेड फूल आते हैं, इसके जो ये वाले फूल है ना, ये देखिए डार्क पिंक कलर के इस तरह से फूल आते हैं, बाद में थोड़ा वाइटिश सब हो जाता है इसमें शुरू से ही, मतलब कैमरे में थोड़ा लाइट दिखता है, नहीं तो बहुत डार्क रहते हैं इसके फूल। बहुत ज़्यादा सुंदर है फूल, ये देखिए कितना सुंदर न्यू फूल जो खिले गए देखिए। और ये भी मेरा कटिंग से तैयार प्लांट है, अब कटिंग से देखिए कितना सुंदर कोडेक्स है इसका, कटिंग से तैयार प्लांट था उस पर मैंने ग्राफ्टिंग करके इसको ग्राफ्टेड प्लांट बनाया हुआ है। तो मेरे कटिंग से ये जो येलो वाला आप देख रहे हैं ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए नीचे से कटिंग वाला पार्ट है, ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की हुई है।
और इसका कोडेक्स देखिए तो बिल्कुल मटके के आकार का कोडेक्स है। इसका जो मदर प्लांट था वो भी मेरे से इस बार ख़त्म हो गया, जिस पर मैंने ग्राफ्ट करके इतने बड़े प्लांट पर फिर इसको एक नया प्लांट तैयार किया है। बहुत खूबसूरत से जो ये कलियाँ आई हुई हैं ना, ये भी मैंने प्लांट ही तैयार किया था खुद से, क्योंकि मदर प्लांट इसका चला गया इस बार मेरी गलती की वजह से ही। अगर मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करती, मतलब ब्रांच नहीं लेती, तो वो ख़राब नहीं होता। तो ब्रांच लेने की वजह से उसमें पानी ज़्यादा हो गया, और उस वजह से क्योंकि बारिश का सीज़न था, मैंने काफ़ी सारे प्लांट ग्राफ्ट किए थे उस समय। तो ये देखिए इसका जो आकार है ना, बिल्कुल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कम से कम तो इसमें 12 से 13 ब्रांच पर मैंने ग्राफ्टिंग की है, जिसपे सारी ब्रांच पर ही सक्सेस हो गई थी। तो मेरा जो प्रोसेस होता है, मैं अपने प्लांट को फरवरी में प्रून करती हूँ, लेकिन अभी कुछ ब्रांच मैंने कट कर दी है, क्योंकि मुझे ग्राफ्टिंग के लिए ब्रांच चाहिए थी। जिनकी ब्रांच मुझे चाहिए थी उनको मैंने कट कर दिया। जैसे ये देखिए, इस प्लांट को मैंने ग्राफ्ट करने के लिए कट कर दिया था, तो इसमें देखिए न्यू सोर्स निकलने भी लगे हैं। अब अभी अगर आप चाहें तो प्रून कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि एक ब्रांच सिंगल जा रही है, घना नहीं है प्लांट, तो आप प्रून कर सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर बारिश का मौसम हो, तो वैसे तो बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस हो जाए कहीं, तो उसको बारिश से थोड़ा सा बचा के रखिएगा। कुछ देखिए उधर के प्लांट थे, उनके भी ब्रांच लेकर के मैंने ग्राफ्ट कर दिया, तो उनको भी मैंने कट कर दिया है। अब आपको दिखा दूँ, लगभग 10-12 दिन पहले जो कट किया था मैंने, उसमें फुटाव भी आ गया है। मतलब 10 दिन में फुटाव आ जाता है, और जो मैंने 10 दिन पहले ग्राफ्टिंग की थी ना, उनमें भी आई शूट्स निकलने लगे हैं। तो अभी जो मौसम है ना, ग्राफ्टिंग के लिए भी अच्छा है। अगर आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। अब मेरे पास रूट स्टॉक नहीं बचा, नहीं तो मैं कुछ प्लांट और ग्राफ्ट कर लेती। तो मेरी ब्रांच कुछ इतनी ज़्यादा लंबी हो गई, जैसे मरून वाले के देखिए बहुत लंबी ब्रांच जा रही है, सिंगल ब्रांच है, पत्तियाँ सारी गिर गई। इस समय यही प्रॉब्लम हो रही है, तेज़ धूप की वजह से ना पत्ते भी पीले हो रहे हैं। पत्ते पीले होने के कारण मेरे गार्डन के ये है कि इनकी मिट्टी ड्राई हो जाती है, जो मैं टाइम से पानी नहीं दे पाती, इस वजह से पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं। और थोड़ा सा मौसम मतलब चेंज हुआ है, थोड़ा जो सुबह का मौसम है, मतलब रात का मौसम है, थोड़ा बहुत अंतर आया होगा, लेकिन अभी 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी फिर से पड़ रही है। तो इस तरह से इनका कंडीशन है। तो मैं चाहूँ तो इनको प्रून कर सकती हूँ, लेकिन मैं इनको इसलिए प्रून नहीं करूँगी क्योंकि मुझे फरवरी में इनकी ब्रांच चाहिए नए प्लांट तैयार करने के लिए। तो ये ब्रांच मेरी सही सलामत रहेंगी, क्योंकि अगर हम प्रून कर भी देते हैं तो मुश्किल से आधा इंच या आधा इंच से भी छोटी ब्रांच ग्रो होगी अभी एक महीने में, उसके बाद डोरमेंसी में चले जाएंगे प्लांट। तो मैं आपको दिखा दूँ कितनी ब्रांच ग्रो हो सकती है। ये देखिए, ये लगभग एक महीने से पहले मैंने इसको प्रून किया था, और इतना फुटाव इसमें आया है। रीज़न ये है कि इसकी बाकी की ब्रांचेस इतनी बड़ी बड़ी हैं, और ये ब्रांच मैंने 2 ब्रांचेस की कट कर ली थी ग्राफ्टिंग करने के लिए। तो अगर मैं सारी कट कर देती तो ये घना हो जाता, मतलब प्लांट बढ़ जाता, लेकिन इसकी जो सारा न्यूट्रिएंट्स था ना इन प्लांट में, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही थी तो उसमें था, इसलिए इनको पोषण नहीं मिला और ये छोटी छोटी रह गई। तो अगर आप अभी कट करते हैं तो इससे ज़्यादा ब्रांच आपकी ग्रो नहीं होगी, जा करके फरवरी में ही ग्रो होगी, और डायरेक्ट उसमें फूल पत्तियों की बजाय फूल ही आने शुरू होंगे। तो आप चाहे तो वो कर सकते हैं, पर एक रिस्क भी रहता है जब इस कंडीशन में हमारी ब्रांच रहती है, अगर उसमें फुटाव नहीं आया ठंड की वजह से, तो उसमें क्या होगा, अगर विंटर में बारिश हो गई या तो आपके गमले में ज़्यादा पानी हो गया, उस कंडीशन में आपका प्लांट नीचे से गल करके पूरा ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज़ हो जाती है, मेरे से भी कई बार हुई है। मैंने तो बस वही है ना, गार्डनिंग में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तभी हमको एक्सपीरियंस होता है। हम कहीं से भी वीडियो देख करके या फिर किसी से जानकारी लेकर के हमको उतना आइडिया नहीं होता जितना हम खुद से सीखते हैं। जब हम खुद से करते हैं वो काम, तभी हमको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें हो जाती है। मेरी तो मतलब यही है कि देखिए येलो के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं, जो न्यू फ्लावर खिलता है ना, बीच में थोड़ा ऐसे पिंक सा कलर रहता है, इसके पेटल्स ही बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस बार काफ़ी सारी डिमांड भी है इसकी, तो मैं तैयार करूँगी इसके प्लांट, लेकिन नेक्स्ट फरवरी में, जब फरवरी आ जाएगा। इसकी प्रूनिंग तो हम करते हैं, क्योंकि मैं हर साल अपने प्लांट की प्रूनिंग करती हूँ, और प्रूनिंग करके कोई भी ब्रांच को मैं वेस्ट नहीं करती। लेकिन इस बार मेरे पास रूट स्टॉक मैं तैयार नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मतलब सीडलिंग मैंने की थी लेकिन अभी अब वो बहुत छोटी है, पता नहीं फरवरी तक के लिए ग्रो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो आप लोग की अपनी मर्जी है, अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, और नहीं तो फरवरी का तो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे लोग फरवरी में ही प्रूनिंग करते हैं, मैं भी फरवरी में ज़्यादातर प्रूनिंग करती हूँ। हाँ, जब मुझे ग्राफ्ट करना होता है तो फिर मैं कोई भी सीज़न नहीं देखती हूँ, ग्राफ्टिंग के लिए मैं ब्रांच कभी भी ले लेती हूँ। ये देखिए एक न्यू फ्लावर मेरे गार्डन में खिलने वाला है, ये शायद ट्रिपल लेयर रेड कलर में खिलेगा, मतलब डार्क एकदम रेड। ये भी रेड ही है, अभी ये थोड़ा पिंकिश सा कलर है इसका, लेकिन ये अभी खिलेगा। ये अभी कुछ टाइम में देखिए कलियाँ आ चुकी हैं सब में इसमें,
ये देखिए कितनी लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो रही हैं। बारिश का पानी पापा करके इन्होंने इतने लंबे लंबे ब्रांच को किए हैं, और पर इनमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इस प्लांट ने मेरे फ्लावरिंग की है। ये लगातार ना जाने कब से खिल रहा है, और इसके जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप देख सकते हैं। ये पता नहीं कैमरे में एकदम वाइट दिखता है, नहीं तो बहुत ही डार्क कलर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मुझे तो इसकी कलियाँ देख करके ना और इसकी कलियाँ देख करके लगता है ये कहीं सेम इस तरह से ना निकले, जबकि ये सीडलिंग मेरी रेड ट्रिपल लेयर की है, इसमें की है, तो थोड़ा सा ऐसा ही दिखता है। और इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी अभी बीच में मतलब बंद तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी खिल रहे हैं फूल। कितना सुंदर फूल है ये देखिए, एकदम वेरीगेटेड वाला। तो ये टाइम टाइम से चेंज होता रहता है, कभी इसमें वेरीगेटेड फूल खिलते हैं और कभी एकदम प्लेन पिंक खिलते हैं, जैसे कि देखिए इसमें अभी खिल रहा है। इसके बाकी के फूल देखिए, इसके भी वेरीगेटेड से हैं, तो इसी तरह से खिलते रहते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने बता दिया अपना जो मेरा नज़रिया था जो मैं अपने गार्डन में करती हूँ, और आप लोगों को बता दिया, आप लोग की चॉइस है। अगर आप लोग प्रून करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो 15 दिन में आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है, 15 से 20 दिन में, तो वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाएगी, लेकिन जो उसका फुटाव है ना वो बढ़ेगा नहीं ज़्यादा, वो इसी कंडीशन पर रहेगा, और जैसे ही जनवरी ख़त्म होगा ना तब वो अच्छी ग्रोथ पकड़ता है। फिर आप उसकी चाहे तो दोबारा रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, और या तो फिर उसी में रहने दीजिए, उसी में थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ये मैंने ग्राफ्ट किया था, देखिए यहाँ से पूरी ब्रांच ये गल गई थी, लेकिन फिर भी देखिए इसने सर्वाइव किया है, और ये वेरीगेटेड वाले का है, लेकिन पूरी ब्रांच इसकी ख़राब है, फिर भी इसके मरने के चांस अभी भी हैं। तो एक फ्लावर देखिए, ये भी खिलने वाला था, एक बार ये खिल चुका था, आज मैंने सोचा था ये फिर से खिलेगा, लेकिन ये बिना खिले हुए फिर से कलियाँ गिर गई। और कई सारे न्यू कलर ऐड किए हैं मैंने, लेकिन अभी इनमें फ्लावरिंग नहीं हुई, कलियाँ वैसे कई सारे में आई हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेरे गार्डन में कलियाँ भी आ रही, फूल भी आ रहे हैं, मैंने कुछ प्रून भी किए हैं, कुछ ग्राफ्ट भी किए हैं। तो मेरा गार्डन मतलब फरवरी से लेकर के मैं लगभग सितंबर अक्टूबर तक अपने अडेनियम में काम करती ही रहती हूँ, उसके बाद 2-3 महीने जो विंटर के होते हैं उनमें काम करना बंद कर देती हूँ। जैसे प्रूनिंग हो गई और ग्राफ्टिंग हो गई, रिपोर्टिंग हो गई, ये सारे अक्टूबर के बाद से नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने में बिल्कुल से स्टॉप कर देती हूँ। फर्टिलाइज़र भी कोई प्लांट को नहीं देती हूँ। मैंने अभी NPK का स्प्रे किया है कल शाम को, और उसके अब इसके बाद मैं कोई फर्टिलाइज़र इनमें नहीं दूंगी। जो भी इनको खिलना होगा, जो भी मतलब प्रोसेस होगा, करते रहेंगे प्लांट। कोडेक्स देखिए, 2-2 साल के कोडेक्स हैं, ऐसा लग रहा है 4-5 साल का कोडेक्स है, सिर्फ 2 साल का प्लांट है ये। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, इतने ज़्यादा कोडेक्स बढ़ते जाते हैं, और फिर मतलब इतने बड़े प्लांट को फिर थोड़ा मेहनत भी होती है, वजन भी हो जाता है टेरेस पे, तो थोड़ा संभालना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी रखना तो है ही, क्योंकि बड़े प्लांट हैं, इनको हम सेल भी नहीं कर सकते इतने बड़े प्लांट को, तो जितने का प्लांट नहीं उतना तो कुरियर चार्ज हो जाएगा। खैर, मुझे सेल भी नहीं करने हैं इतने बड़े प्लांट। तो बस फ्रेंड्स, ये मेरा नज़रिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, जैसा आप लोग करना चाहे कर सकते हैं। थोड़े से बस ध्यान रखिएगा, अगर प्रूनिंग वगैरह करते हैं तो थोड़े से पानी का ध्यान रखिएगा, ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसको भी छाया में 1 महीना आपको रखना पड़ेगा, किसी पॉली हाउस जैसे पॉलीथीन वगैरह से आप पॉली हाउस बना सकते हैं, उसके नीचे रख सकते हैं, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अपने अपने गार्डन का अपना अपना हर तरीका, हर कोई अलग अलग पॉटिंग सॉइल बनाता है, हर कोई अलग अलग तरह से प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करता है, फिर भी कहीं ना कहीं जा कर के सबका पर्पज़ एक ही होता है। तो सबका तरीका है, कोई अक्टूबर में कर रहा है, कोई फरवरी में कर रहे हैं, तो कोई बाद में कर रहे हैं, कोई आगे पीछे कर रहे हैं, तो अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीका है, जिसको जैसे सुविधा होती है उस हिसाब से काम करते हैं। तो बस यही मैंने बताया आपको कि मैं किस तरह से करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।